वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। सो सेम ड्रेस में देख रहे हो। आज है ट्यूसडे, धनतेरस का दिन है। सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ। माता रानी जो है आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, साथ में मेरे घर में भी लेके आए, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सो सुबह हो गई है, सुबह के हो रहे होंगे अभी 9 और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्योंकि ये जो आप पीछे वॉल देख रहे हैं इसको मैं डेकोरेट करने का सोच रही हूँ। कहाँ तक सफल होंगी आई हैव नो आइडिया। सो देखते हैं कहाँ तक होते हैं। और साथ में आया है ये इतना बड़ा सा बॉक्स जिसमें है ये कुछ पार्सल्स जो कि आपको समझ आ भी गए होंगे। और भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, कहाँ से आया है ये नहीं पता है मुझे। सो देखते हैं, मैसेज आएगा तो ये भी बनाना पड़ेगा। जब से मैं इन्फ्लुएंसर हुई हूँ ना, तब से सच में कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं जाता कि जब मैं काम ना कर रही हूँ, खासकर फेस्टिवल में, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ही बैक टू बैक ये प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं। एनीवेज हमारा काम है, इससे हम बिल्कुल भी उग नहीं सकते। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्य की बात है कि ऐसा दिन देखने को मिला मुझ जैसी लड़की को, इन द सेंस मुझ जैसी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। मैं पहली अपने मायके ससुराल में हूँ जो सोशल मीडिया पे आई। सोशल मीडिया पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई भी आ सकता है और बहुत लोग आए और चले भी गए, लेकिन आके टिके रहना बहुत बड़ी बात है। और उससे भी ज़्यादा अगर आप अपनी एक पहचान बना रहे हैं, एक अपनी काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी हमें प्रमोशन वगैरह के लिए प्रोडक्ट आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या डेकोरेशन हो पाता है, तो बने रहिए। सो जी, मैं आप लोगों से बातें करने के बाद सोच ही रही थी कि डेकोरेशन शेयर करूं, लेकिन देखा कि हस्बैंड जी नहा धो के आ गए थे मेरे कहने के मुताबिक, और वो पूजा का घर साफ कर रहे थे। सो बहुत स्वीट लग रहे थे, सॉरी। जब भी वो ऐसा करते कि जो मैं उनको टाइम देती हूँ उसके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा डिले होते हैं। बट आज मैंने उनको बोला था क्योंकि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, वो आप आगे व्लॉग में देखेंगे। और दिवाली में जितने ही लोग होना कम पड़ जाते हैं, दिवाली और एक होली, दो फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि जितने लोग हों उतना ही अच्छा लगता है और उतने ही काम भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज का दिन तो मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं उतना व्लॉग में भी शेयर नहीं कर पाई हूँ जितना मुझे मुश्किल हुआ है, फिर भी आपको कुछ आइडिया तो हो ही जाएगा। व्लॉग 9 या 10 मिनट के होते हैं जिसमें हम लोग एडिट करते हैं, जो खास खास क्लिप होती है पूरे दिन की वो शेयर करते हैं। कभी कभी कंटिन्यूसली हो जाता है, कभी कभी पूरे दिन का होता है, कभी कभी 2 या 3 दिन का होता है, जैसे होता है, क्योंकि आप लोगों को भी हम बोर नहीं कर सकते हैं कुछ भी दिखाकर, तो इस वजह से। सो यहाँ पे मैंने सोचा था इसको यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई वो आप आके देखेंगे। सॉरी, कॉल आ गई थी मेरी, सो मैंने आपको आगे बताया नहीं। सो ये एक साइड तो मैंने बांध लिया क्योंकि नीचे ना मैट्रेस रखा हुआ था। हस्बैंड जी जो है अभी नीचे सो रहे हैं, हम लोगों के रूम में ही, दूसरे रूम में नहीं सो रहे हैं। बेड पर हम 3 लोग आ नहीं पाते इन द सेंस आ जाते हैं, लेकिन कार्तिक रात में थोड़ा आड़ा तिरछा इस तरीके से सोते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दिन में तो आराम से सो लेते हैं, डबल बेड है। और यहाँ मैं हस्बैंड जी को बुला रही थी कि मेरे बस का नहीं है, थोड़ा सा आप सहयोग कर दो, और ये आने को रेडी नहीं थे क्योंकि इनके पास भी काम था। और फिर मैं बोलती कि आपने ही लेट किया, डेट्स वाई ऐसा मैं बोलती हूँ, तो ये बोल रहे थे नहीं, मेरा काम मुझे करने दो, अपना काम अपने करो। फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने कहा कि ऐसे प्लेन कर्टन भी रखना अच्छा नहीं है, और फिर सेलो टेप से चिपका पाना इस पर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। कुर्सी रख के हो जाता बट विदाउट कुर्सी नहीं हो रहा था, और पहली बार टाइम ही नहीं था, समय ही नहीं था, तो इस वजह से। खैर, फाइनल लुक है ये मेरे रूम का, मुझसे जैसे भी हो पाया मैंने किया। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगता है, और आगे और भी डेकोरेशन मिलेगा आगे आने वाले साल में। तो अभी तो हमने ग्रो करना शुरू किया है हर चीज़ में। खैर, डेकोरेशन करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी हमने सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा वो हमने नहीं किया है। कढ़ाई रखी हुई दिख रही है आपको, उसमें सब्जी बनी है भिंडी की और रोटी बनी है। अभी हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खा रहे हैं, रीज़न ऑफ कार्तिक हेल्थ, और थोड़ा सा मेरा भी हेल्थ सही नहीं है। मुझे भी अभी भी आपको मेरे वॉइस में लग रहा होगा, ये मैं जब ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तब छोटी दिवाली है, लेकिन आप इसको दिवाली के जस्ट आफ्टर देखेंगे, यानी थर्सडे को दिवाली, फ्राइडे को देखेंगे आप। बहुत जगह तो फ्राइडे को भी दिवाली है बट हम तो थर्सडे को मना रहे हैं। आप कॉमेंट करके बताना इस ब्लॉग में
जब आप देखना कि आपने किस दिन बनाया। यहाँ पे मैं आलू और बैंगन को रख रही हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और आलू बैंगन का भरता। हमको काफ़ी अच्छा लगता है ये भरता और हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पे मेरा बैंगन आलू जो है उबल गया और हमने नाश्ता भी कर लिया। हालांकि हम विदाउट मतलब बिना नाश्ता किए जाने वाले थे, लेकिन बहुत लेट हो गया था और भूख लग रही थी, इस वजह से हमने खा लिया। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये कि दिवाली में जो मार्केट है ना काफ़ी रंग बिरंगी मतलब सजी हुई रहती है। तो कम है मतलब ये धनतेरस का सुबह शाम तक आपको बिल्कुल यहाँ पर जगह नहीं दिखेगी। और ये मयूर विहार पेस्ट्री का है, मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा था कि आसपास पास कोई सुबह मंदिर कितना सजा होगा ना मम्मी उसका और सुनेगा तब क्या हम मिलेंगे कोई चल पाए। तो सारी जब गए थे तो ऐसा जाना चाहिए था उनको मंदिर, लेकिन धनतेरस के दिन लास्ट ईयर जो है यहाँ पे हम मिठाई ले रहे हैं, लास्ट ईयर जो है दिवाली वेडनेसडे को थी लेकिन चलो बता दिया वेडनेसडे को थी। तो ट्यूजडे को छोटी दिवाली थी तब हम आए थे दर्शन करने के लिए, और इस बार तो धनतेरस पे ही है दिवाली तो हम आ गए दर्शन करने। और कार्तिक को कफ हो रही है तो आप लोग माइंड मत करना। और यहाँ पे मंदिर काफ़ी सुंदर सजा था आपने देखा ही। और यहाँ पे फिर दूसरे रूम को भी डेकोरेशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भगवान जी के मंडप में लाइट नहीं लगी थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भगवान जी का मंडप सूना सूना रहे। मैं धनतेरस के दिन पूरा अंदर बाहर जितना भी डेकोरेशन करना होता ऑलमोस्ट कर देती हूँ। जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो हस्बैंड जी करते हैं दिवाली के दिन, क्योंकि सब जगह नहीं पहुँच पाती मैं पहला। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, इस वजह से मुझे डर भी लगता है चेयर वगैरह में चढ़ने पे कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो मैं नहीं चढ़ती हूं। और वो बोलते भी हैं कि मत चढ़ना, मैं मतलब आके कर दूंगा। सो ये जो डेकोरेशन है ना रूम में और हॉल में, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूं, क्योंकि इसके पहले वाला आप प्रीवियस ब्लॉग देखेंगे ना दो एक साल पहले का, मतलब लास्ट ईयर से भी पहले का, तो आपको दिखेगा कि मेरा घर कितना ज़्यादा ख़राब था। बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि मतलब मैं क्या बोलूं। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मजबूत करके अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। और बहुत मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूं उस बैकग्राउंड में ऐसा शेयर कर पाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। हाल देख सकते हैं कैसा हो रखा है, सुबह से उठ के 6:30 बजे से उठ के और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, मतलब 12 आवर्स कंटिन्यूसली मैंने काम किया है। 6:30 बजे उठ के पहले मैंने घर का सारा काम किया, लाइक क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, गैस, किचन सब वैसे साफ़ था लेकिन सुबह उठ के मैंने किया। उसके बाद फिर मैं मतलब साफ इन द सेंस कि किचन साफ़ था बट किचन को भी फिर से क्लीन किया। और उसके बाद क्या कहते हैं झाड़ू पोछा किया, नहाई, नाश्ता बनाई, उसके बाद हस्बैंड के साथ मंदिर गई जो कि शूट किया ही है सारा ब्लॉग में आपने देखा। फिर वहाँ से आई, लंच का प्रिपरेशन किया, लंच किया, फिर यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धुल के फिर ये पूरा डेकोरेशन करके जो कि सहरी किया है सब करके फिर कार्तिक को अकेडमी लेके गई, वहाँ से आई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अभी चाय चढ़ाई हूँ जबकि दूध और पानी बस रखा है, चीनी चाय पत्ती ऐड नहीं किया है। चाय पीऊँगी, सिर इतना दर्द हो रहा है, जुकाम सा भी हो रखा, मतलब कोल्ड सा हो रखा है मुझे। सो आऊँगी तो फिर यहाँ पे दाल और बैंगन का भरता रखा हुआ है, सो राइस बनाऊँगी, देखूँगी हिम्मत लगी तो कुछ और बनाऊँगी। और अभी मुझे धनतेरस की जितनी भी शॉपिंग होती है ना, जैसे चांदी सोना में कुछ लेते हैं और क्या बोलते हैं बर्तन में कुछ लेते हैं, वो सारा पेंडिंग है, अभी मैंने नहीं किया है। तो अब मैं चाय पी के कार्तिक को चाय दे के फिर कार्तिक टीवी वगैरह देखेंगे, फिर मैं वो सब करूँगी। तो वो मैं कल जो ब्लॉग स्टार्ट करूँगी उसमें शेयर करूँगी। और आज मुझे एक ब्लॉग भी डालना था, मैं वो भी नहीं डाल पाई, तो इसके पहले वो ब्लॉग डाल के तभी मैं ये ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि वो भी मैंने मेहनत से शूट किया है, दैट्स वाई। सो चलिए इस व्लॉग का करते हैं एंड, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के भी घर सज गए होंगे, आप लोगों की भी शॉपिंग हो गई होगी या फिर हो रही होगी, और बहुत ही हर्षोल्लास से ये दिवाली भी हम लोगों की जाएगी हर साल की तरह, और माता रानी करे हर साल ऐसे ही जाती रहे। तो चलिए व्लॉग का एंड करते, मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।